ओम ज्ञानतिमिरं तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णवियों को यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कहते ये अद्वैत सिद्धि कहते श्री शंकराचार्य का फिलोसफी मतवाद और श्री वैष्णव का मतवाद में क्या फर्क है, हम इसी विषय को भर में कल श्रवण कर रहे थे। इसलिए कहते करके दोनों को जो फिलोसफी करी करी एक है, क्योंकि वैष्णव लोग जो कहते हैं शंकराचार्य भी वही कहते हैं, हैं? लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है जैसे एक भक्त वो भी कहते हैं कि जो स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जो दिखता है सूक्ष्म शरीर जो हमें नहीं दिखता है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये चार ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये जो शरीर हमें दिख रहा है, कहते हैं अगर ये भगवान को प्राप्त करना तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ से तुमको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये शरीर भी नहीं है और हम ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं, हम कौन हैं? कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो जीव है वो ईश्वर का अंश, हम भगवान के बच्चे। भगवान कहते हैं मम इवांस जीवलोके जीव भूत सनातन, कहते हे अर्जुन जगत में जितने जीव है सबके सब मेरे बच्चे मेरे अंश है, हैं? इसलिए अंश होने का नाते भगवान जैसे सनातन है उसी तरह जीव भी सनातन है, इसलिए सनातन हमें है। इसलिए अगर प्रभु को प्राप्त करना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साधन भजन करना पड़ेगा और साधन भजन करते करते ये शरीर से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। क्यों? भगवान हम जीवात्मा और भगवान परमात्मा उनको भक्ति करने के लिए जड़ वस्तुओं से ऊपर तुम्हें उठना पड़ेगा। कहते हम जो कहते हैं वैष्णव धर्म में, कहते ये शंकराचार्य भी यही बात कहते हैं, अगर तुमको भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों शरीर से तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन फर्क क्या है? कहते फर्क ये है, कहते हैं जो शंकराचार्य का जो मतवाद है, जब ये दोनों चीज़ से तुम ऊपर उठ जाओगे फिर क्या करोगे, बस
अंतिम समय में वो जो ब्रह्म ज्योति है उनका फिलोसफी क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं वही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि तुम वही हो, सर्वम खलु इदम ब्रह्मास्मि, निश्चित रूप से जगत सब ब्रह्ममय है, सारा दुनिया जो दिख रहा है सब ब्रह्ममय है। इसलिए हम संसार में क्यों आए, बोले ये जो माया भगवान को पकड़ लिया, पकड़ लिया तो अभी वो जो भगवान है अभी ये जीव बन गए, अरे भगवान अभी ये जीव बन गए और बन करके ये संसार में आकर के हम सबके सब हम बिलबिला रहे, दुख कष्ट भोग कर रहे सबके सब। जब भजन करते करते जब तुम मुक्त हो जाओगे फिर क्या करोगे, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ। हाँ, ये चीज़ अच्छी तरह समझो, लास्ट में ये ब्रह्म ज्योति में जाकर के तुम लीन इसमें एक आकार हो जाओगे, हैं उनका ये मतवाद है। लेकिन वैष्णव का फिलोसफी क्या है, जब ये स्थूल सूक्ष्म शरीर से तुम ऊपर उठ जाओगे, जब उसको ऊपर उठ जाओ क्या होगे, उसको बाद में तुमको भगवत प्रेम, जैसे तुम्हारी क्या हो गया, तुम्हारी अनर्थ निवृत्ति हो गया, उसको बाद में जब अनर्थ निवृत्त हो गया धीरे धीरे तुम्हारी भगवान के प्रति रुचि आएगा, निष्ठा आएगी, फिर धीरे 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 साधना करते 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 पर भगवान का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, ठाकुर जी की दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, हैं दर्शन प्राप्त होने पर क्या होगा, जैसे ब्रज की गोपियाँ, जैसे ललिता विशाखा चंपकलता, जैसे सब गोपियाँ जैसे क्या कर रही, कृष्ण सेवा कर रहे हैं सबके सब, हैं जैसे हनुमान जी वो मुक्त अवस्था में लेकिन कर रहे क्या, कहते मैं सेवक रघुपति पति मरे, मैं भगवान राम का सेवक, राम हमारे प्रभु और राम की सेवा ही जीवन का सब कुछ है। कहते ये मुक्त अवस्था में क्या करते हैं, राम की ये सेवा करते हैं, राधा समस्त ब्रज गोपियाँ हमारे जितने गुरुवर गए हैं, हैं कोई रूप मंजरी, कोई रति मंजरी, कोई विलास मंजरी, क्या कर रहे हैं, सबके सब ठाकुर को लास्ट में ठाकुर का सेवानंद को प्राप्त करते हैं और सेवानंद में इतने आनंद है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नय तार एक बिंदु। इसका मतलब है कृष्ण प्रेमानंद में जो आनंद है करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी उसका एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते। इसलिए पहले सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्मानंद थे, हैं वो भी ब्रह्मानंद ब्रह्म में डूबे हुए थे, लेकिन जब कृष्ण कितने सुंदर हैं, जब उन्होंने एक श्लोक किससे सुने, श्री व्यासदेव के शिष्य के मुंह से कृष्ण कितने सुंदर है बात सुने तो सब कुछ को छोड़ दिया और आकर के कृष्ण भक्ति रस में डूब गए। फिर जनक महाराज भी पहले वो भी ब्रह्म ज्ञानी थे लेकिन प्रभु राम का रूप तो जब देखा बोले इन्हीं बिल्लो को तो अति हरसिता बराबर सा ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जब उन्हें राम को देख लिया ना इतने सुंदर लगे, पहले जो ब्रह्म 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 करते थे वो अपने आप खत्म हो गया, वो अपने आप खत्म हो गया और राम के प्रेम में संपूर्ण रूप में डूब गए। वो समझ गई ये राम ब्रह्म नहीं, ये राम कौन है, अरे परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म का बाप है। ब्रह्म क्या है, जिसको ब्रह्म कहते हो ब्रह्म क्या है, तद जत अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्य तनुभा। जिसको उपनिषद ब्रह्म कहता है ये भगवान इतने सुंदर, इतने सुंदर भगवान कृष्ण, कहते ये ब्रह्मा भगवान की अंग कांति, इनकी शरीर की छटा, ये अंग कांति ब्रह्म हैं। आत्मा कौन, बलमकाल सर, हरे कृष्ण कौन, ये स्वयं षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, ये कृष्ण चंद्र, ये षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण चंद्र। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए कहते कहते उन कहते ये शंकराचार्य का जो फिलोसफर उनमें और वैष्णव में इतना फर्क है, क्या फर्क है, जो वो लोग लास्ट में ब्रह्म ज्योति में मिल जाना चाहते हैं और भक्त लोग क्या चाहते हैं, ठाकुर को सेवारस को आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की सेवारस में ही आनंद है। लेकिन जो ब्रह्म में जो लीन हो जाना, उनको उनको गति क्या मिलता है, उनको गति क्या मिलता है, कल सुने थे ना, जैसे शराब पी करके नशाबाजी से नशे करके जैसे पड़े रहते दिन भर, ऐसे
हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, जैसे सो रहा है ना, आज मान रात को बहुत बढ़िया नींद आई, बट हम कहेंगे कैसे रात को नींद आई, बोले क्या नींद आज आज आनंद आ गया, एकदम बढ़िया नींद आज रात को आई है, बढ़िया नींद आज। अगर बढ़िया नींद आती है बोले दिन भर रात भर सोते रहो, उठने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर नींद में अगर आनंद है, आनंद है एक नींद में आनंद है, हैं, लेकिन हो तो क्या इंसान दिन भर सोता रहता है क्या? नहीं, उठ करके खाता है, पीता है, घूमता है, अपना बीवी बच्चों से बात करता है, अपना घर गृहस्थी काम करता है। अगर नींद में अगर आनंद होता दिन भर तो बस सोते रहता, नशाबाजी करके सोते रहते, नहीं, वो उठ करके खाते पीते सोते घूमते हैं। इसलिए कहते उसी तरह जो ब्रह्मानंद एक आनंद है, लेकिन होने पर भी कृष्ण प्रेमानंद को सामने वो आनंद अत्यंत तुच्छ है, उसमें आनंद अत्यंत तुच्छ आनंद है। इसलिए भक्त लोग कहते हैं नरक बांछे तब साजु जे न लाए, कहते प्रभु भले ही हमें नरक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये जीवात्मा एक बार वो ब्रह्म में लीन हो गया ना, बस। खुद एक उदाहरण दिया, जैसे एक चींटी गुड़ खाने के लिए गया, लेकिन ये चींटी गुड़ का आस्वादन कब करेगा? अगर ये गुड़ से, जैसे गुड़ समझो पतला पतला गुड़ है, खाने के लिए गए, लेकिन खाने के लिए गए थे ना, बस वो गुड़ में ही वो जो चींटी था लिपट गया। फिर अगर लपटक गया और मिल गया, फिर वो गुड़ का आस्वादन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? और उसमें तो मिल गया, लेकिन अगर वो चिट्टी अगर उससे अलग रहता तो फिर क्या करता, वो गुड़ को आस्वादन कर सकता था, लेकिन वो चूंकि उसमें लपट गया, बस मिल गया, गया एकाग्र हो गया और मिल गया उसमें, फिर गुड़ का आस्वादन नहीं कर पाएगा। क्या उसी तरह तब भी हम भगवत भक्ति रस का आस्वादन कर पाएंगे, भगवान कितने सुंदर है, कितने मीठी बंसरी बजाते हैं, भगवान की कितने सुंदर मयूर पंख ठाकुर जी धारण करके रखे हैं। जब भगवान से अलग रहेंगे तभी तो उनका रूप को देख कर खुश होएंगे, अगर तुझसे मिल गया फिर गया। हाँ देखो अभी यही चीज़ को ये जो बात अभी जो बता रहे ना, ये बड़ी मतलब फिलोसफी का बात है, तुम लोग कोशिश करना इसको जितना हो सके उसको समझने के लिए, लेकिन उसको बड़ा गहरा बात को बता रहे हैं। ये शंकराचार्य जी को फिलोसफी और जो वैष्णव फिलोसफी में क्या फर्क है, ये चीज़ को बहुत गंभीर गंभीर अर्थ है। आप लोग जितना अलग हो सकते हो तुम लोग बाद में इसको इतना अंश पढ़ लेना, ठीक है? तो क्या कहते हैं, कहते एक प्रकार से, हाँ कल और क्या सुने थे, कहते जो सचमुच से शंकराचार्य का फिलोसफी को सही सही रूप में वो पढ़ता है, लेकिन शंकराचार्य का जो अंदर का जो बात वो सही सही समझ जाता है, क्योंकि शंकराचार्य लास्ट में होता है ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मति, कहते हे मूर्ख बुद्धि वाले क्या करो, गोविंद का भजन करो, कृष्ण भजन करो, हैं, वो ये बात को कहते हैं। लेकिन उनके हृदय शंकर तो स्वयं शिव ठाकुर है, शंकर तो स्वयं शिव है, शंकर जी वो तो परम वैष्णव है, जो राम कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं, हैं, नारायण की कथा सुनाते हैं, सुंदर सुंदर लीलाओं को जो वर्णना करते हैं, और हनुमान रूप में राम की भक्ति स्वयं कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य रूप में आकर के महाप्रभु जगत में जिन्होंने प्रकट किया है, हैं, इसलिए पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, जो शंकर पंचम में भगवान के नाम जप करते हैं, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए अभी सुनो क्या बोलते हैं, कहते एक प्रकार से विचार करने पर कहते अद्वैत सिद्धि और प्रेम एक जैसे ही प्रतीत हो रहा है, समझ रहे हो? कहते श्री शंकराचार्य जी का जो अद्वैत सिद्धि मतलब अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, तुम दो नहीं तुम एक हो, मतलब लास्ट में क्या करो,
तुम ब्रह्म में ही संपूर्ण रूप में डूब जाओ, उनका यही अद्वैत सिद्धि है। इसलिए कहते ये अद्वैत सिद्धि और जो प्रेम, कहते भक्तों का भी प्रेम, भक्तों का एक तरफ प्रेम एक तरफ अद्वैत सिद्धि। प्रेम मतलब क्या, जिस समय जीव ये संसार की माया को छोड़ करके स्थूल सूक्ष्म शरीर से ऊपर होकर के जब संपूर्ण रूप में ये अपना आत्मस्वरूप में निज अपना सिद्ध स्वरूप में जब भगवत भक्ति में तल्लील हो जाए, भगवत भक्ति में जब संपूर्ण रूप में डूब जाए, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं, जिसको भगवत प्रेम कहते। जैसे हमारा कथा आता है ना, श्रीनिवास आचार्य हैं, एक समय उन्होंने अपना शिष्यों को बोल कर रखा था, बोल देख बेटा, अगर मेरे उनको शिष्यों को कहा था, अगर मेरे शरीर में कोई विकृति देखोगे इधर उधर, मेरा कि शिष्य रामचंद्र कविराज को बुला लिया करना, उसको बुला लेना। तब एक समय श्रीनिवास आचार्य जो 2-3 दिन से ऐसे बैठे हुए, कोई शरीर का हुदहुद नहीं, समाधि पूरा के पूरा समाधि में बैठे हुए हैं, आँख बंद करके पूरा, लेकिन मरे नहीं, मरने पर तो लुढ़क जाएगा हैं, ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन सब कुछ, लेकिन एकदम पूरा पूर्ण समाधि में बैठे हुए। बोले क्या हो गया गुरुदेव, तो गुरुदेव का समाधि नहीं टूट रहा। तो उन्होंने बोले थे रामचंद्र कविराज को बुला देना, तो वो गए रामचंद्र कविराज को बोले गुरुदेव आपका नाम लिया था, गुरुदेव 2-3 दिन से बैठे हुए और एक भाव से बैठे हुए, उनको समाधि नहीं खुल रही, आप आओ देखो गुरु जी को। उन्होंने बुलाया, जब बुलाया तो गुरु जी को पास में एक आसन बैठा करके, तब उन्होंने बोले देखो मैं गुरु जी को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं गुरु जी को ढूंढने जा रहा हूँ, जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ ना, हम दोनों शरीर को तुम लोग देखते रहेगा हैं। तो वो गुरु जी को ढूंढने के लिए गए, जब ढूंढने के लिए गए, ढूंढते ढूंढते कहाँ गए, वो देखा गुरुदेव राधा कुंड में कृष्ण और गोपियाँ, ब्रज गोपियाँ क्या कर रहे थे, वहाँ पर जल विहार कर रहे थे। और जल विहार करते करते, जल विहार समझते कि नहीं, पानी में खेल रहे थे, जल विहार कर, जल में विहार कर रहे थे, करते करते क्या हुआ, राधा रानी का जो नाक में जो बेसर पहनती है ना, वो बेसर कहीं खो गई। बेसर खो गई तो अभी राधा रानी को जाबट जाना है, हैं? अभी जटिला कुटिला सांस और नणंद बड़े तेज है, हैं? अभी एक का नाम जटिला और एक का नाम कुटिला, जटिला मतलब जट पकाना, कुटना मतलब कुट 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 कुट, उसमें कुट कुट करना, स्थिर नहीं रहना, क्या बात, कहाँ गई थी, क्या हो रहा था, इतने देर क्यों हुई, अभी तो कर रही थी कि हैं, क्या कर रही थी। इसलिए बोले अभी घर में जाते ही अगर सास नणंद देखे कि नाक में बेसर नहीं, क्या चक्कर, कहाँ गई थी, क्या कर, इसलिए अभी राधा रानी को जल्दी जल्दी वापस जाना जाबट में, लेकिन नाक की बेसर खो गई। अभी वो नाक की बेसर को ढूंढ रहे हैं कहाँ पर नाक की बेसर, अभी लेकिन भगवान की लीला में समय और इसी जगत का समय में बहुत फर्क है। जैसे ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा जी केवल यहाँ से गए और आए इस जगत में कितना हो गया, 1 साल हो गया हैं। इसलिए अभी वहाँ पर थोड़ी समय केवल ढूंढे, लेकिन यहाँ पर बीत गया 2-3 दिन यहाँ पर बीत गया, और देखा सबके सब ढूंढ रहे हैं राधा रानी के नाक की बेसर कहाँ खो गई, बेसर कहाँ खो गई, अभी किसको मिल नहीं रहा है। लेकिन ये रामचंद्र कविराज जब गए, देखा सबके सब नाक की बेसर खोज ढूंढ रहे, ये भी लग गए गुरु जी को साथ में ढूंढने के लिए। और ढूंढते ढूंढते देखा एक कमल है, कमल पेड़ फूल की जड़ में वो बेसर वहीं पर गिरा हुआ है, बस इनको बेसर मिल गया, बेसर मिल गया तो उसने लाए, ला करके उसने किया कि अपना गुरु जी को दिया, फिर गुरु जी ने रूपमंजरी को दिया, फिर रूपमंजरी ललिता को दिया, फिर ललिता ने लेकर के राधा रानी के नाक की बेसरे में पहना दिया। जब पहना दिया राधा रानी बोली किसको मिला है, बोले कि नई सखी आई है, नई बोले बुला कर ले आओ। जब बुला करके ले आए तो उन्होंने राधा रानी प्रसन्न हो गई, उसको घर में खुश होकर राधा रानी अपना जो तांबूल मतलब पान की जो बीड़िया खा रही थी वो प्रसाद उन्होंने रामचंद्र कविराज को दिया है, राधा रानी का प्रसाद तांबूल कितने भाग्य से मिलता है, मुंह से निकाल करके देना है। तीनों गुरुदेव और दोनों शिष्य जब राधा रानी की तांबूल प्रसाद मिला, दोनों जो यहाँ पर समाधि में बैठे हुए थे ना, एकदम खड़े हो गए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, एकदम
छलांग लगाकर दोनों एकदम खड़े हो गए। जो खड़े हो गए भक्तों लोगों ने पूछा कहाँ चले गए थे, पर उन्होंने सारी बात बताई। इसलिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो बेसर मिला उन्होंने किसको दिया है, गुरु जी को दिया। गुरु जी ने किसको दिया, रूपमंजरी को। रूपमंजरी किसको दिया, ललिता को, फिर राधा रानी का सेवा। यहाँ पर कहते हैं हम लोग डायरेक्ट राधा रानी का सेवा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई बोलेगा अरे गुरु वैष्णव का कोई ज़रूरत नहीं, हम स्वयं कर लेंगे सब, हम क्या कम जानते हैं, सब जानते हैं, हम सब सीखे बड़े, सब जानते हैं, गुरु वैष्णव का कोई ज़रूरत भैया नहीं। श्री नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं कबे लोकनाथ मरे संग लैया जावे, श्री रूप पाद पद में मोरे समर्पित। कब ऐसे दिन आएगा मेरे जो गुरुदेव श्री लोकनाथ दास गोस्वामी क्या करेंगे, हमारे हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, लेकर कहाँ करेंगे, श्री रूपमंजरी के चरण में हमें प्रदान करेंगे। इसलिए बोले गुरु छाड़ी गोविंद भजे से पापी नरक मजे। इसलिए गुरु जी को छोड़ करके जो स्वतंत्र रूप में भजन करना चाहते हैं कहते से पापी, वो पापी है, कहते नरक मजे, वो नरक में भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी के अनुगत्य के बगैर, इसलिए जब मंदिर में पूजा होता है ना, देखना हमारे दो चरणामृत रहता है, एक गुरु जी का और एक है भगवान का, क्योंकि गुरु जी की आदेश को लेकर के ही हम भगवान की सेवा को कर सकते हैं, डायरेक्ट हम भगवत सेवा नहीं कर सकते, इसलिए गुरु जी के अनुगत्य के बगैर। इसलिए उन्हें डायरेक्ट लेकर राधा रानी के पास में नहीं पहुँचाती हैं, इसलिए घोड़ा लिए घास खावा हैं। अगर कोई बोले अरे ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्रभु को प्राप्त करेंगे, भैया कभी डायरेक्ट भगवान के पास में पहुंच नहीं सकते गुरु के अनुगत्य के बगैर। इसलिए जैसे वहां पर श्रीनिवास आचार्य और श्री रामचंद्र कबीरा उन्होंने क्या किया, यहां पर यही बता रहे हैं। जैसे एक जो शंकर के जो मतावलंबी जो वो लोग क्या करते हैं, बस वो ब्रह्म में वो क्या सोचते हैं, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, एक दिन ब्रह्म में लीन हो जाऊँ, करते करते ब्रह्म में डूब जाएगा, ब्रह्म में जाकर मिल जाएगा, जब मिल जाएगा मिल करके एकाकार होकर के क्या होगा, बस अपना सत्ता उसकी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक भक्त भी क्या करता है, वो भी जो प्रेम जिसको हम प्रेम कहते हैं, कहते वो एक जैसे प्रतीत होता है, कहते वो भी ब्रह्म में डूब जाते हैं। अरे हम लोग भी क्या करते हैं, कृष्ण चिंतन करते 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 एकदम कृष्ण लीला में हम प्रवेश कर जाते हैं और राधा कृष्ण की निकुंज की सेवा करते हैं, हैं? कहते ये जैसे क्या होता है, ये एक ही जैसे लगता है। कहते अद्वैत सिद्धि का जो संकुचित अर्थ किया जाता है उससे अद्वैत सिद्धि और प्रेम में भिन्नता उत्पन्न हो गई, समझ गए कि नहीं। देखो जितना दूर हो सके इस चीज़ को समझ लो, ठीक है, तुम लोग समझ लो। इसलिए कहते हैं अद्वैत सिद्धि का जो संकुचित अर्थ, उन लोगों ने किया संकुचित अर्थ, हम ब्रह्म में साधु जो मतलब उसमें मिल जाएंगे हैं, लेकिन उससे अद्वैत सिद्धि और प्रेम में भिन्नता उत्पन्न होता है। लेकिन जब प्रेम और अद्वैत सिद्धि में कहते उसमें क्या होता है, भिन्नता है उत्पन्न होता है। अभी समझो प्रेम क्या पदार्थ है, ये चीज को समझो, प्रेम किसको कहते हैं। कहते प्रेम, कहते इसी पर विचार किया जाए, कहते प्रेम उसे कहते हैं जब एक चित पदार्थ, कल इसको बोलना हमें प्रेम का मतलब क्या, ठीक है। कहते एक चित पदार्थ जब अन्य चित पदार्थ के प्रति जिस धर्म के द्वारा स्वाभाविक रूप में आकृष्ट हो उसको प्रेम कहते हैं। हम कहते हैं ना भैया उसको प्रेम हो गया, ठाकुर का प्रति प्रेम हो गया, प्रेम हो गया मतलब क्या है। कहते जीव एक चित पदार्थ है, हैं, तो जी भगवान का अंश है ना, सत चित आनंद भगवान, कहते उनका गुण भी हमारी अंदर में, भगवान जैसे चित वस्तु जीव भी चित वस्तु है, हैं, इसलिए होने पर क्या होता है, कहते एक चित पदार्थ कहते क्या होता है, कहते प्रति जिस धर्म को द्वारा, और एक चित पदार्थ का प्रति जिस धर्म को द्वारा स्वाभाविक रूप में आकृष्ट उसको प्रेम कहते हैं। जब यही जीव क्या करता है, भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप में जब आकृष्ट होता है, हैं, स्वाभाविक रूप में मन हमारी प्रभु की चरण में मन मनास्का, मन जब ठाकुर के सेवा में लग जाए स्वाभाविक रूप, उसको ही प्रेम कहते हैं। हम कहते हैं उसको प्रेम हो गया, प्रेम हो गया मतलब क्या, भगवान के प्रति उसका प्रीति बढ़ गया, भगवान के प्रति उसकी स्वाभाविक रूप में, जैसे तुम लोग को
इस समय साधारण लोग तो घर में सोते हुए होंगे, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? कितना बजे उठे? 4 बजे पहले उठ गए हो। उठ करके नहा धो करके और मंगला आरती में आ गए। ठाकुर का प्रति हैं, ठाकुर का प्रति प्रेम, तभी तो घर छोड़ कर यहाँ पर आए हो कथा सुनने के लिए हैं। कभी जब एक चीज पदार्थ भक्त स्वाभाविक रूप में और एक चीज पदार्थ स्वाभाविक रूप में आकृष्ट होता है, मतलब उनकी भजन के बगैर जब जीव को रहा नहीं जाता, इसको क्या कहते हैं? कहते उसका नाम कहते हैं ये प्रेम। ये यहाँ पर जो दो चीज पदार्थ के पृथक अवस्थान के बिना प्रेम सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रेम कब होगा? कहते जैसे जैसे गोपियाँ और कृष्ण, राधा रानी जैसे कृष्ण हैं, कहते जैसे कृष्ण हैं, कहते ये जो दो चीज पदार्थ क्या है? दो चीज पदार्थ कहते पृथक अवस्थान, ये अलग है, ये अलग है। राधा रानी कृष्ण अलग है, गोपी कृष्ण अलग है, हैं? कहते सिद्ध नहीं होता। समस्त चित पदार्थ जिस धर्म के द्वारा परम चित पदार्थ रूप कृष्ण चंद्र के और नित्य आकृष्ट होते हैं, उसका नाम ही कृष्ण प्रेम है। जगत में जितने चित पदार्थ है, जीव चित पदार्थ है और समस्त चित पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो कृष्ण चंद्र के प्रति आकृष्ट होता है, स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति जब आकृष्ट होकर के हैं, कहते आकृष्ट होता है, उसका नाम क्या कहते हैं? कृष्ण प्रेम है। कृष्ण चंद्र का नित्य पृथक अवस्थान और जीव समूह का उनके प्रति जो अनुगत्य भाव के साथ नित्य पृथक अवस्थान है, वह प्रेम तत्व में नित्य सिद्ध तत्व है। समझ गए ना? इसलिए कि समझ गए कि नहीं, उसको अच्छे तरह से पढ़ना, केवल सुनना नहीं। कहते यहाँ कृष्ण चंद्र का नित्य पृथक अवस्थान, यहाँ पर कृष्ण भी अलग हैं और जितने जीव समूह हैं, जैसे गोलोक वृंदावन में हैं, राधा रानी अलग, गोपी अलग, ललिता विशाखा अलग, रूपमंजरी अलग, अलग रहकर क्या कर रहे हैं? सबके सब राधा जी के अनुगत में कृष्ण सेवा कर रहे हैं। ये सबके सब अलग, जैसे अयोध्या में वहाँ पर हनुमान भी अलग, भरत शत्रुघ्न भी अलग, मैया सीता भी अलग हैं, सबके सब अलग है, तभी तो राम की सेवा कर रहे हैं। अगर राम में मिल जाते तो राम का चरण कौन धोता? राम के लिए कौन भोजन कौन बनाएगा? राम का कौन छत्री कौन धारण करेगा? सबके सब अलग है, तभी तो जाकर राम की सेवा व कृष्ण सेवा ये लोग कर रहे हैं ना। अगर ये मिल ही जाते तो गया, मिल गया चीटी खाने, चीटी गया गुड़ खाने के लिए और गुड़ में ही लपट गया, फिर तो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते कृष्ण चंद्र का नित्य पृथक अवस्थान और जीव समूह का उनके प्रति जो अनुगत भाव के साथ नित्य पृथक अवस्थान, वह प्रेम तत्व में नित्य सिद्ध तत्व है। कहते प्रेम में ये नित्य सिद्ध तत्व। देखो यहाँ पर तीन चीज जब रहेगा तब होगा। देखो क्या है? कहते एक है आस्वादक, एक है आस्वाद्य और एक है आस्वादन। कहते ये तीन भाव को पृथक स्थिति सत्य है। ये तीन चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आस्वादक, समझेगी नहीं, जो आस्वादन करता है। जैसे हम कोई रसगुल्ला खा रहे हैं, जब रसगुल्ला खा रहे हैं तो आस्वादक कौन है? जो रसगुल्ला को खा करके आस्वादन करता है। कहते आस्वाद्य, आस्वाद्य मतलब उसका जो आस्वादन, हमें जो उसमें जो रस हमें प्राप्त जो हो रहा है, हैं? कहते आस्वाद्य और आस्वादन हैं। कहते आस्वादन, कहते जो तीनों हैं, जो आस्वादन करता है, जो आस्वाद्य वस्तु है, जो आस्वादन, कहते जो तीनों भाव की पृथक स्थिति सत्य है, हैं? ये जो तीन वस्तु, ये तीन वस्तु क्या है? ये तीन वस्तु सत्य है। यदि प्रेम के आस्वादक, समझ रहे, जो प्रेम का जो आस्वादक मतलब जो आस्वादन करता है और आसाद्य एक ही हो तो प्रेम नित्य सिद्ध नहीं हो सकता। यदि प्रेम के आस्वादक और आस्वाद्य कहते एक ही हो तो प्रेम नित्य सिद्ध नहीं हो सकता। यदि अचित संबंध शून्य चीत पदार्थ की शुद्ध अवस्था को अद्वैत सिद्धि कहा जाए तो प्रेम एवं अद्वैत सिद्धि एक जैसे प्रतीत होता। किंतु आधुनिक शंकराचार्य मतालंबी पंडितगण चीत धर्म की अद्वैत सिद्धि से संतुष्ट नहीं होकर के
चित वस्तु की एकता साधने के जत्न द्वारा वेद उदित अद्वैत तत्व सिद्धि को प्रचार न कर उसके विकार का प्रचार करते हैं। कहते जो शंकराचार्य मतलब में जैसे भक्त लोग कहते हैं हम भगवान की भक्ति करते 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 क्या करेंगे, भक्ति करते करते हम संपूर्ण रूप में प्रभु की सेवा में हम तल्लीन हो जाएंगे, उसमें डूब जाएंगे। लेकिन शंकराचार्य मतलब भी कहते नहीं, हम तो एक दिन जाकर के उसी ब्रह्म ज्योति में ही हम लीन हो जाएंगे। बोले क्यों लीन हो जाओगे, इसलिए लीन होना चाहते हो? बोले ये जगत में जब तक ये जगत में हम रहेंगे हैं, जब तक ये जगत में रहेंगे फिर तो हमको दुख कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए कहते न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांस रहेगा तो बांसुरी बजेगी ना, और बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी। मतलब कहते हैं कहते ये जगत में जब जन्म ग्रहण करोगे फिर क्या होगा, संसार का दुख कष्ट को भोग करना पड़ेगा, तुम तो संसार का दुख कष्ट भोग करोगे। लेकिन जब वो ब्रह्म में ज्योति में लीन हो जाओगे, बस लीन हो गया, तुम्हारी सत्ता खत्म हो गई, सत्ता खत्म हो गई तो फिर क्या होगा, फिर तो तुमका जन्म मृत्यु निकल गए, बस उसे मिल करके अहम ब्रह्मा से ब्रह्म ज्योति में बस एकाकार हो गए। लेकिन कहते नहीं ऐसे नहीं हैं, ऐसे नहीं हैं, ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे मुक्त अवस्था में जब भजन करते 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 जैसे इसी जगत में भी जैसे हमारे गुरुवर्ग जैसे प्रभुपाद आए थे, भक्त विनोद ठाकुर जी आए, जैसे हमारे बड़े गुरु जी आए इसी जगत में हैं आए, लेकिन साधारण रूप में क्या दिखाई पड़ता है, ये लोग जगत में आए जगत में, लेकिन आने पर भी क्या हम लोग जैसे क्या ये लोग है, जैसे एक डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है, क्या क्योंकि हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, बीमारी जो रोगग्रस्त है, लेकिन एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए, इसका मतलब क्या ये डॉक्टर भी क्या रोगी है, कि क्या डॉक्टर रोगी नहीं, वो ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है, हैं? उसी तरह इसी जगत में यद्यपि दिखाई पड़ता है भगवान की नित्य सिद्ध जो परिकर लोग इसी जगत में आते हैं, जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, दिखाई पड़ता है, लेकिन करने पर भी भगवान कहते हैं न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानाम च विद्यते, वैष्णव का जन्म कर्म बंधन नहीं है। और जैसे गोलोक वृंदावन में जैसे राधा रानी समस्त सखी और ये मंजरियाँ ये क्या करती हैं, राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। राधा कृष्ण की जब सेवा करती हैं वो जो सेवा आनंद है, ये जो सेवा आनंद है वो अथाह सेवा आनंद है, हम जो सोच भी नहीं सकते, इसलिए सोच भी नहीं सकते। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर माधुर्य कादंबिनी भी कहता है, कहते हैं कृष्ण प्रेम में कितना आनंद है। एक उदाहरण दिया, कभी जीव प्रत्येक जीव का हृदय में आनंद है, सबका हृदय में थोड़ी थोड़ी आनंद है, आनंद है कि नहीं, आनंद है कि नहीं, है कि आनंद है, सबका हृदय में थोड़ा थोड़ा आनंद है जगत में जितने जीव, कभी ये जितने सारे आनंद है पृथ्वी में जितने आनंद है सभी आनंद को इकट्ठे कर लो, इकट्ठे करने पर वो जितने आनंद होगा, कहते जब कृष्ण दर्शन मिलता है, कृष्ण प्रेम को जब जीव को कृष्ण प्रेम को प्राप्ति होता है उसमें इतने आनंद है, कहते वो आनंद जैसे एक समुद्र है, जैसे समुद्र का एक बूंद ले लो पानी, कहते एक जो बूंद ले लो उसमें जो आनंद है केवल एक बूंद, कहते पृथ्वी का जितने जीव का हृदय में जितने आनंद है उसको अगर इकट्ठे भी कर लोगे ना, कहते एक बूंद को सामने बराबर नहीं कर सकते, और कृष्ण आनंद। इसलिए कहते जो शरीर है जैसे कृष्ण जो प्रेम आस्वादन शरीर में होना कठिन हो जाता है, कृष्ण इसी शरीर में कृष्ण दर्शन होना कठिन हो जाता है। कहते साधन करते 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 जब केवल भाव अवस्था तक जीव पहुंचता है फिर ये शरीर वो आनंद का आस्वादन नहीं कर पाता, इसलिए क्या करते हैं वहाँ तक, जैसे नारद जी को भगवान ने क्या बोले, इसी जीवन में और दर्शन नहीं होगा तुम्हें, अगले जीवन में तुमको दर्शन दूंगा, है अगले जीवन में, फिर उन्होंने पार्षद तो शरीर को प्राप्त करके फिर आते हैं, हैं आ करके प्रेम का आस्वादन करते हैं। कहते उसी तरह ये कृष्ण दर्शन में इतने आनंद है, कहते ये शरीर वो आनंद को क्या नहीं कर पाएगा, शरीर को आनंद को धारण नहीं कर सकता है, इतना आनंद है। बोले कोई एक रिक्शा वाला था, जो रिक्शा चलाते ना, उन्होंने एक लॉटरी का टिकट बनाया तो उसका लॉटरी उठ गया, और उस समय 1,00,000 रुपया, और 1,00,000 रुपया उस समय में
हम जो छोटे बच्चे थे हम सुना था 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया तो उसमें बहुत कीमत था। कुछ छत के ऊपर खड़ा हुआ था, उसको पता चला मेरा लटरी का पहला नंबर मेरा 1,00,000 रुपया। वो इतने खुश, इतने आनंद में समा नहीं पाया, तो छत के ऊपर से कूद पड़ा। वो आनंद से छत का ऊपर से कूद पड़ा है। अगर कोई साधारण गरीब लोग सुने हमें 1,00,000,000 रुपया मिल जाएगा तो हार्ट अटैक कर देता है, हार्ट अटैक हो जाता है। एक करोड़ रुपया कभी इतने आनंद को धारण नहीं कर सकता। और कृष्ण दर्शन तो इतना आनंद है, इतना आनंद जो सोच नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं पृथक अवस्थान, कद ये उसको आस्वादन करने के लिए पृथक अवस्थान चाहिए जीव। और जो भगवान पृथक रहेगा तभी तो वो प्रेम का आस्वादन कर सकता। अगर एक हो गया तो कहते एक आनंद तो मिलता है। लेकिन कृष्ण गीता में कहते तेसाम अव्यक्त चेतसाम अव्यक्तम ही गतिर दुख। जो लोग उनको निराकार रूप में भजन करते हैं, कृष्ण कहते हैं अव्यक्तम ही गतिर दुख। कहते उनको क्या है, मेरे जो निराकार निर्विशेष रूप को ध्यान करते हैं उनको दुख ही है, सुख नहीं। इसलिए भगवान के प्रसाद जैसे खाएंगे ना, बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिला। कभी देखना ऐसे जो सन्यासी साधु है उनको शंकर कोई दाल सब्जी परमान घी दोगे ना, सब इकट्ठा करते हैं, कोई अलग अलग करके नहीं खाएंगे, सबको एक साथ में मिला करके हैं, सब एक साथ में मिला कर खाएंगे। लेकिन भक्त ऐसे नहीं करते हैं, दाल अलग खाएंगे, सब्जी अलग खाएंगे, चटनी अलग खाएंगे, खीर अलग खाएंगे, रसगुल्ला अलग खाएंगे। ठाकुर जी कैसे एक एक चीज़ को आस्वादन किया है, ठाकुर जी कैसे एक एक चीज़ को, वो संदेश भी मिठाई भी खाएंगे ना, बोले कि कुत्ते की विष्ठा है, ये सोच करके कुत्ते का, बोले क्यों, बोले संसार सब माया, संसार सब माया, संसार संसार में कुछ नहीं, सब झूठा है संसार, सब एक ब्रह्म ही सत्य है, जगत में सब मिथ्या हैं। इसलिए सबको मिथ्या मानते हैं, इसलिए कृष्ण का स्वरूप का राम का स्वरूप को भी मिथ्या मानते हैं। क्यों, कहते ये माया ने ब्रह्म को पकड़ लिया, ब्रह्म भी जीव बन करके आ गया तो राम कृष्ण की जब मुक्ति, इनको भी जब मुक्ति मिल जाएगी ना, फिर ये भी जाकर उसी ब्रह्म में ही लीन हो जाएगी हैं। इसलिए लेकिन ये प्रेम कब आस्वादन होगा, आस्वादक आस्वाद्य और आस्वादन, ये तीन चीज अलग होनी चाहिए तभी ये प्रेम को आस्वादन कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग इसमें संतुष्ट नहीं होकर कहते नहीं, हम तो जाकर के वो ब्रह्म ज्योति में ही, हम जाकर के ब्रह्म ज्योति में बास एकाकार हो जाएगी, ब्रह्म ज्योति में ही अपना सत्ता को लीन कर देंगे। इसलिए वो उनकी ये भाव है, लेकिन उसमें आनंद नहीं। इसलिए एक ज्ञानी सन्यासियों को देखोगे ना, जो है जो शंकराचार्य मतलब जो सन्यासी, उनके अंदर में जो हर्ष जो आनंद है ना, नहीं देखोगे उनके अंदर में हर्ष आनंद नहीं देखोगे उनके अंदर में। हम एक बार हम कहीं कथा करने गया था, जब कथा करने गया था एक वो सन्यासी मायावती सन्यासी आया और वहाँ पर बैठ कर कथा सुना। जब बैठ कर कथा सुना, वो कथा सुन कर के क्या कहता है वो व्यक्ति, क्या कहता है, हम ब्रह्म 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 बोलते 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 हमारा हृदय तो सूख गया, क्योंकि उनमें कोई रस नहीं है, हैं? जैसे हम लोग भगवान के नाम रस आस्वादन करते हैं, कीर्तन रस आस्वादन करते हैं, ठाकुर को दर्शन करके आनंद प्राप्त करते हैं, प्रसाद रस भी लेते हैं, नाश्ते भी कूदते हैं, उनके अंदर मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, तुम वही हो, तुम वही, सब कुछ ब्रह्म ही है, जीवन बड़ा निरस जीवन, बड़ा सुखा जीवन है। तभी तो सुखदेव गोस्वामी जब सुने तभी तो उन्होंने आकृष्ट होकर के आए, भैया ये श्लोक कहाँ से मिले तेरे को, इतने सुंदर कोई हो सकता है। लेकिन जब सुना कृष्ण कितने दयालु है, कृष्ण कितने दयालु, उतना जैसे राक्षस उन्होंने गोलोक वृंदावन दे दिया, हाथ उठा करके पागल हो गए, बोले कब बा दयालु शरणम ब्रजे म, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके हम और किसकी शरण में जाएंगे तो केवल कृष्ण की शरण में जाएंगे और किसकी शरण में नहीं जाएंगे। इसलिए लेकिन वो लोग इसमें तृप्त नहीं होते हैं, कहते नहीं हम तो ब्रह्म में ही डूब जाएंगे, ब्रह्म में ही अपना सत्ता को ब्रह्म में ही डुबा देंगे। दिखाई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि, हाँ इसको बंद कर दो, तुम लोग बोलो जैव धर्म को, ये ग्रंथ का नाम जैव धर्म क्यों पढ़ा।